हे गाइस, पार्टी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही 9 अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, मेरी यहाँ पे पहली टिप है कि जब भी हम अंडों को बॉइल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें बहुत तेज़ी से पैन में डालते हैं। तो बट आप इसे सावधानी से पैन में डालिए तो ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे। फिर भी आपके एग अगर क्रैक होते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा आप। तो मेरी अगली टिप है दोस्तों की, जो अदरक का छिलका होता है वो हम फेंक लेते हैं। तो पहले हमेशा तो अदरक को जब भी आप छिलें तो चाकू की उल्टी साइड से छिलें या स्पून से छिलें, इससे आपका जो अदरक का छिलका है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसका छिलका जब हम निकाल लेंगे, उससे पहले हमेशा पहले अदरक को अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद जो ये छिलका होगा इसको आप अच्छे से सुखा लीजिए। तो जब आप इसे धूप में थोड़ा सुखा लेंगे, एक दिन धूप में नहीं भी सुखाएंगे, अंदर एक दिन रखेंगे, ये सूख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस छिलके को जो आपका चाय पत्ती का कंटेनर होगा उसमें इस अदरक के छिलके को डाल देना है। इससे क्या होगा कि इससे आपकी चाय में अदरक का स्वाद भी आएगा बिना अदरक डाले, और आपकी चाय जो है वो बहुत टेस्टी बनेगी। तो इस जो टिप है इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अगली टिप है दोस्तों कि जब भी हम अदरक लहसुन या चिकन वगैरह बनाते हैं, वॉश करते हैं या अदरक लहसुन को काटते हैं, तो उससे हमारे हाथों में एक बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो जिससे भगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम सोडे से हाथ धुलते हैं, स्पून को उल्टा करके उससे क्लीन करते हैं। तो इसका एक साधारण सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो भी आपका टैब है, नल है किचन का, उसमें हल्का सा इसे रब कीजिए। तो ये स्टील का होता है या इसमें लोहे का होता है, तो इससे जितने भी आपके हाथ की स्मेल है वो सारी निकल जाएगी। अच्छे से रब करने के बाद अपने हाथों को सोप से वॉश कीजिए, आपके हाथों की जितनी भी स्मेल है वो सारी चली जाएगी। अगली टिप है दोस्तों मेरी यहाँ पे कि जब भी हम कुकिंग करते टाइम बटर बनाते हैं या बटर का तड़का लगाते हैं, तो उससे पहले आप थोड़ा सा उसमें रिफाइंड ऑयल या अपना कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, उसके बाद बटर डालिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका बटर होगा वो बिल्कुल भी पैन पे नहीं चिपकेगा, और उसके बाद अगर आप कुकिंग करेंगी तो जो भी आप तड़का वगैरह लगाएंगी वो अच्छे से भुन जाएगा तड़का। नहीं तो जब भी बटर ही बटर का तड़का लगाएं तो थोड़ा जलने सा लग जाता है, क्योंकि बटर पैन में चिपक जाता है। अगली टिप है दोस्तों यहाँ पे कि जो कंटेनर होते हैं कभी कभी प्लास्टिक के, तो मोस्टली उसमें ना एक अजीब सी महक आने लगती है। आप कुछ ऐसी चीज़ें रख ले देते हो, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह, तो बहुत ज़्यादा महक मारता है। तो इसका एक साधारण सा तरीका, आपको लेनी है एक ब्रेड, और ब्रेड में थोड़ा सा 2-3 चम्मच करीबन विनेगर डालना है उसी कंटेनर में जिसमें स्मेल आ रही है। तो इसका आप लेड लगा के कम से कम इसे ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दें। जब आप इसे ओवरनाइट छोड़ने के बाद अगले दिन खोलेंगे तो जो इसकी पूरी महक है वो सारी उस ब्रेड में आ जाएगी, और इस ब्रेड को आप डस्टबिन में डालेंगे तो जो डस्टबिन की महक भी है वो सारी चली जाएगी। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके किसी भी कंटेनर में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आती है किसी में प्याज की, किसी में लहसुन, जब हम उनमें रख लेते हैं। अगली टिप है दोस्तों मेरी यहाँ पे कि जब हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो जब हम उसे एग को फोड़ते हैं तो उसका छिलका वगैरह उसी पैन में गिर जाता है, जिसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाथ से निकालते हैं तो उसमें हाथ में एक अजीब सी महक आती है। तो जिस छिलके से आप निकालते हैं, जिसे फोड़ते हैं, उसी से आप हल्का सा उसे डिप कीजिए, और जो अंडे का छिलका है वो आराम से सेपरेट हो जाएगा बिना हाथ लगाए। हाथ लगाएंगे तो वो स्मेल मारता है बहुत ज़्यादा। अगर वो बाहर गिरता है काउंटर टॉप पे, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के क्लीन कर सकते हैं। अगली टिप है दोस्तों कि जो हमारे टमाटर वगैरह होते हैं, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिल जाते हैं तो वो थोड़ा कच्चे रह जाते हैं, तो उनको पकाने का सिंपल सा तरीका यह है कि जो आपका आटा का ड्रम वगैरह होता है, कंटेनर होता है, उसमें डाल लीजिए और ओवरनाइट इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे तो जो आटे की गर्माहट से ये देखेंगे कि जो ये टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। अगली टिप है दोस्तों कि जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपका जो भी कुकिंग ऑयल है, चाहे आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हैं, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हैं, तो 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में से कोई भी चीज़ उस कंटेनर में डाल लीजिए जिसमें आपको अपना अदरक लहसुन का पेस्ट स्टोर करना है। इससे आपका अदरक लहसुन का पेस्ट काफ़ी समय तक स्टोर रहेगा, उसमें स्मेल भी नहीं आएगी और वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा।
अगली टिप है दोस्तों यहाँ पे कि आजकल के टाइमिंग में आपको पता है कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं वेजिटेबल्स को पकाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है, तो हमें तो ये नहीं पता कि कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं। तो अपने जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल को केमिकल मुक्त करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी कंटेनर में आप अपने फ्रूट्स वगैरह वॉश करती हैं उसमें एक चम्मच खाने का सोडा डाल दीजिए, उसके बाद इन्हें अच्छे से रब कीजिए और उसके बाद जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी इसमें केमिकल वगैरह है वो सारा हट जाएगा और उसके बाद ही इन फ्रूट्स को खाइए आप। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।